हेलो फ्रेंड्स, इंडियन कजिन्स में जितनी रीजनल और ट्रेडिशनल वैरायटी है उतनी हमें कहीं देखने को नहीं मिलती। यहाँ तक कि एक टिपिकल ब्रेकफास्ट भी एक जगह से दूसरी जगह में जाने पर वेरी कर जाता है। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे एक बंगाली ब्रेकफास्ट लूची और आलूर दम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि कोलकाता का एक फेमस स्ट्रीट फूड भी है। बनाने में भी ये बहुत आसान है। इसे सिर्फ ब्रेकफास्ट ही नहीं बाकी दूसरे मील ऑप्शन की तरह भी देखा जा सकता है। आइए अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आलूर दम यानी आलू दम की रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए बेबी पोटैटोस चाहिए होते हैं। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम आलू लिए हैं। ये बहुत छोटे तो नहीं, थोड़े बड़े साइज़ के हैं लेकिन चलेंगे। इन्हें बॉयल करके छील लें और छील करके कांटे या फिर फोक की मदद, माफ़ कीजिएगा, टूथपिक की मदद से प्रिक कर लें। फिर इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करें जिससे ये अच्छे से कोट हो जाए। अगर आपके पास बेबी पोटैटोस भी अवेलेबल नहीं है तो आप रेगुलर आलू को भी ले सकते हैं, उसे पीसेस में काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक गर्म पैन में मस्टर्ड ऑयल लें 2 से 3 टेबलस्पून और फिर इन सारे आलूओं को उसमें डाल दें फ्राई होने के लिए। सरसों का तेल ट्रेडिशनल रेसिपी में ज़रूर यूज़ होता है। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप इसकी जगह नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक तरफ से सिक जाए तो इसे थोड़ा सा पलट दें जिससे कि ये दूसरी तरफ भी अच्छे से फ्राई हो जाए। इसे हमें गोल्डन होने तक फ्राई करना है। फ्लेम मैंने मीडियम रखी थी। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएं तो इन्हें एक टिश्यू पर निकाल लें और साइड में रख दें। और अब एक बोल में 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, कश्मीरी मिर्च 1/2 टीस्पून ले लें। अगर आप चाहें तो यहाँ पर लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नमक स्वाद के अनुसार डालें। ध्यान रखें कि पहले भी नमक डाला है आलूओं को कोट करने के लिए। और अब थोड़ा सा पानी डालकर इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। फिर पहले से बचे हुए तेल में थोड़ा सा ज़ीरा डाल दें 1/2 टीस्पून के करीब, 2 तेज़पत्ता और 1 सूखी लाल मिर्च डाल दें। आप चाहें तो इस तेल की जगह फ्रेश ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने वही ऑयल यूज़ किया है जिसमें मैंने आलूओं को फ्राई किया था, जिससे कि ऑयल वेस्ट ना हो। जब ये मसाले थोड़े से कड़कने लगें तब इसमें 1/2 मीडियम साइज़ का प्याज कद्दूकस करके डाल दें या फिर आप इसे ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। जब ये थोड़ा सा भुन जाए फिर इसमें पहले से तैयार मसाला मिक्स को डाल दें। फ्लेम यहाँ पर मैंने हाई रखी है और इसे तेज़ी से चलाते रहें। जब ये थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ने लगे तब इसमें 1/2 टीस्पून हरी मिर्च को क्रश करके डाल दें। 1-2 बार चला दें इसे। और अब इसमें 2 टेबलस्पून टमाटो प्यूरी डाल दें। मैंने यहाँ पर 1/2 मीडियम साइज़ का टमाटर कद्दूकस करके डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर दें और इसे थोड़ी देर कुक होने दें जिससे कि ऑयल अलग होने लगे। फिर इसमें 2 टेबलस्पून दही डाल दें। ध्यान रखें कि दही डालते वक्त इसे लगातार तेज़ी से चलाएं जिससे कि दही फटे नहीं। आंच धीमी कर दें या फिर फ्लेम से हटा दें। अच्छे से मिक्स होने के बाद इसे वापस फ्लेम पर रखें। फ्लेम मीडियम कर दें और इसे थोड़ी देर कुक होने दें जब तक कि ऑयल अच्छे से अलग ना हो जाए। फिर जब मसाले भुन जाएं तो इसमें पहले से फ्राइड आलू जो हैं उन्हें डाल दें। बहुत हल्के हाथों से आलूओं को कोट करें मसालों के साथ जिससे कि आलू टूटे नहीं। जब आलू अच्छे से कोट हो जाए फिर उन्हें थोड़ी देर मसालों के साथ भुनने दें करीब 2 मिनट के लिए। और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। पानी आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी वाली चाहिए तो आप पानी ज़्यादा डाल सकते हैं। मुझे लटपटी चाहिए इसलिए मैंने पानी थोड़ा कम डाला है। फिर इसे ढककर लो फ्लेम पर करीब 20 मिनट के लिए छोड़ दें जिससे कि ये कुक हो जाए। बीच बीच में इसे चला दें
ताकि नीचे से लगे नहीं। और अब ढककर इसे लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट के लिए कुक होने दें। 25 मिनट बाद लिड हटाया है और ये कुक हो चुकी है। अब इसे चॉप की हुई हरी धनिया से गार्निश कर दें। मसालों को अच्छे से एक बार फिर से मिला दें। अगर इस वक्त ये थोड़ी ड्राई लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे वापस से फ्लेम पर रख कर थोड़ी देर कुक कर दें और फिर इसे ढककर किनारे रख दें। आइए अब दूसरी रेसिपी लुची की तरफ चलते हैं। इसे बनाने के लिए एक बोल में एक कप मैदा लें, ये 200 ग्राम मैदा है। इसमें एक चौथाई चम्मच नमक, एक चौथाई चम्मच चीनी, यहाँ पर मैंने बारीक चीनी का इस्तेमाल किया है, ध्यान रखें। मिलाकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें और अब इसमें बीच में थोड़ी सी जगह कर लें जिसमें एक टेबल स्पून ऑयल डाल दें। यहाँ पर एक टेबल स्पून ऑयल को मैंने दो बार में डाला है, एक बार डाला है, इसे अच्छे से मिक्स किया है, अच्छे से मोइन नहीं हुआ तो फिर मैंने दोबारा डाला है, यानी टोटल ये एक टेबल स्पून ऑयल है। इसे अच्छे से मिक्स करें, बहुत अच्छे से मोइन करें जिससे कि ये अच्छे से बाइंड होने लगे, इस तरह से एक मुट्ठी बन जाए जो कि ड्रॉप करने पर भी टूटे नहीं, मतलब कि ये रेडी है। अब इसमें गुनगुने से थोड़ा गर्म पानी डालकर नरम आटा लगा लें। पानी थोड़ा थोड़ा डालें जिससे कि ये बहुत गीला ना हो और इसे करीब 10 से 12 मिनट तक गूंदें जिससे कि एक सॉफ्ट डो लग जाए। यहाँ गूंथने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अगर पूड़ियाँ सॉफ्ट चाहिए तो। इसे 10 मिनट के लिए गूंथा है और फिर अब ये रेडी है। मैंने इसे ढक दिया है, इसे ढककर करीब आधे घंटे के लिए छोड़ दें जिससे कि ये मैदा ढल जाए। आधे घंटे के बाद लेट हटाएं और फिर एक बार इसे एक मिनट के लिए गूंथ लें। इसे टक करते हुए गूंदें और अब ये सॉफ्ट डो रेडी है। ये देखिए ये कितने अच्छे से बाउंस कर रहा है, इतना सॉफ्ट होना चाहिए। और अब इसे छोटी छोटी लोइयां तोड़ लें, छोटे छोटे पोर्शंस निकाल लें इस तरह से। इसे भी टक करके रख दें और फिर अब इसे पतली पूड़ियों की तरह रोल कर लें। ये सारी पूड़ियाँ फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ऑयल मैंने गर्म होने रख दिया था, फ्लेम हाई रखा है और अब ध्यान से पूड़ियाँ डाल दें और इन्हें दबाते हुए निकाल लें। ये देखिए पूड़ियाँ इस तरह से होनी चाहिए और अब सारी पूड़ियों को निकाल लें, सर्व करने के लिए रेडी है। एक प्लेट में पूड़ियाँ रखें और आलू दम यानी आलू दम और इसे एंजॉय करें गरम गरम। अगर आपने मेरी रेसिपी को लाइक किया है तो मेरे चैनल के नीचे प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट करें और अच्छी और न्यू रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और अपना फीडबैक नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।